नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमेश भवर। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम बक्तला तहसील गंधवानी जिला धार मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 मई 2013 को लिया। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं शिक्षक हूँ, मध्य प्रदेश सरकार का सहायक अध्यापक के पद पर कार्य करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जो साधना हमारे समाज में प्रचलित है वही साधना मैं भी करता हूँ। हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बलवारी गांव है, वहाँ पे 12 फीट मूर्ति बजरंग बली की थी, वहाँ पे हम पानी चढ़ाया करते थे और शनिवार और मंगलवार को उपवास करा करते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी मैं ये साधना करता था, उसके बावजूद भी मुझे कुछ पेट में जो तकलीफ थी वो भी नहीं जा रही थी और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ कि मैं मेरे ससुराल 12-15 किलोमीटर दूर है बल्लेड़ी गांव में, वहाँ पे मैं जाया हुआ था और वहाँ से एक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ एक भाई था, उन्हें बताया ज्ञान। फिर मैं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पश्चात सर्वप्रथम मेरा एक और लाभ हुआ कि ये एक बार क्या हुआ कि मेरे पत्नी को अचानक ब्लड शुरू हो गया था, जिसके कारण मैंने गंधवानी डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सर आप तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाए धार या बड़वानी और वहाँ पे इनका कम से कम 4 या 5 बाटल खून की चढ़ाइएगा, तभी ये इनका इलाज चालू होगा। इस तरह से बताया तो मैं तुरंत फिर गंधवानी से धार हॉस्पिटल लाया, प्राइवेट में दिखाया तो प्राइवेट में वो दीपावली की छुट्टी की वजह से सारे डॉक्टरों छुट्टी पे चले गए थे, तो फिर सरकारी मिल गया तो वहाँ भी छुट्टी कारण वहाँ भी डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो इस प्रकार से मैं वहाँ से वापस घर आ गया मेरी पत्नी को लेके, और फिर संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा हुआ था, मेरी पत्नी भी जुड़ी थी, तो हमने प्रार्थना लगाई और प्रार्थना में बताया कि परमात्मा दया करेंगे। तो हमने उसके पश्चात यहाँ से गंधवानी से बरवाला हिसार के लिए रवाना हो गए सत्संग सुनने के लिए। तो रास्ते में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कि जो बैठ नहीं सकती थी मेरी पत्नी वो बैठ के आराम से गई और वहाँ 2 दिन तक सत्संग सुना और वापस आके उसी डॉक्टर से जिस डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि आपकी पत्नी का मात्र 6% खून बचा है और उसी डॉक्टर के पास मैं दोबारा चेक करवाने गया 10वें दिन तो उसी डॉक्टर ने बताया कि बोले कि आपकी पत्नी का वर्तमान में अभी 10% हो गया। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लेने मात्र से 4 से 10% खून बढ़ गया है और उसके पश्चात आज तक मेरी पत्नी को खून की बाटल नहीं चढ़ाए और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरी पत्नी स्वस्थ है और उनकी भक्ति करने से कोई तकलीफ अभी नहीं है। दूसरा लाभ ये है कि मेरे 3 बालिका है, बच्चे हैं, वो जब गांव में रहते थे तो बार बार वो हर 15वें दिन 8वें दिन बीमार हुआ करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पश्चात तीनों बच्चों को कोई भी अभी कोई परेशानी नहीं है, 4-5 साल होने जा रहे हैं कोई तकलीफ नहीं है और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम पूरा परिवार सुखी हैं। एक और लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज की चरण में जाने से कि मेरी आर्थिक स्थिति जो थी पहले बहुत दयनीय थी, मेरे पास साइकिल तक भी नहीं थी, मैं नौकरी करता था लेकिन शुरुआत में जब मैं 500 की नौकरी करता था तो वो 500 रुपये नहीं पूरते थे, उसके बाद 1000 रुपये हुए, 25 हुए और जब 2013 तक मुझे 5000 रुपये ही तनख्वाह मिलती थी और उसमें पूरा पालन पोषण पूरा परिवार का मेंटेनेंस नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मुझे 25000 तनख्वाह मिलती है और पूरा परिवार सुखी है और मैं बहुत अच्छे से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सुखी हूँ और भक्ति कर रहा हूँ। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मुझे जितने भी जो बुराई हैं, विकार है, वो सारे मेरे में वो अवगुण थे जो आम इंसान करता है, जैसे बीड़ी, शराब, मान, तंबाकू, जितने भी हमारे समाज में तो ऐसा फैला हुआ। जब तक एक बाटल दारू नहीं पीता था तब तक मैं
खाना नहीं खा पाता था, ऐसी स्थिति हो गई थी, और सारे बीड़ी सिगरेट सभी में सेवन करता था। जब नशा करता था तो जिस नशे की लत के कारण मेरे पेट में ऐसी बीमारी हो गई थी कि जब तक मैं नशा नहीं करता था, बीड़ी नहीं पीता था, तब तक मुझे फ्रेश नहीं हो पाता था, और जिसके कारण मैं बहुत दुखी होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पश्चात वो सारे विकार मेरे छूमंतर हो गए, किसी प्रकार का खाने पीने की दूर का छू भी नहीं सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज की जो दीभक्ति के कारण मुझे मेरे पैर की जो तकलीफ थी वो अभी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी स्वस्थ हूँ। यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसे चालू कर रखी है जिससे समाज सुधार का काम कर रहे हैं, लेकिन वो योजना केवल कागजों पर ही सीमित हो जाती है, वो पूरे समाज को सुधार नहीं कर हो पा रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज सुधार कर रहे हैं कि एक वचन की शक्ति से उन्हें वचन दे देते हैं कि आपको ये नहीं करना है, उसी एक शब्द पर जितने भी जो नाम दीक्षा लेते हैं वो सभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू जितने भी जो बुराई की चीज़ है, नशे की चीज़ है, वो सारी छूट जाती है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा समाज सुधार काम कर रहे हैं जो सरकार नहीं कर पा रही। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम नशा मुक्त कर रहे हैं, भारत नशा मुक्त हो, लेकिन एक तरफ नशा मुक्त का योजना ही निकालती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि उसी को बढ़ावा देती है, और शराब के जो दुकानें हैं जगह जगह खुलते जा रहे हैं जिससे नशा मुक्त भारत नहीं होगा लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में यदि आ गए, उसके ज्ञान से अगर समझ के जो नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा विकार से छूट जाता है, और जो संत रामपाल जी महाराज ने समाज का सुधार कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत कर रहे हैं, वो एक ही वचन में वो जो नाम दीक्षा देते हैं उससे छूट जाता है। मेरे प्रार्थना है सभी से कि एक बार इस ज्ञान को समझे, और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उस भक्ति में प्रमाणित भक्ति हमारे चारों धर्म, चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब और कबीर वाणी में प्रमाणित भक्ति बताते हैं, जिस भक्ति को करके हमें इस जीवन में भी सुख शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और नशा मुक्त भी होगा, और हमारे ये मोक्ष मार्ग है। तो सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि एक बार इस ज्ञान को समझे जो सद्भक्ति बताते हैं, जो हमने सुना करते थे कि शिव भगवान ने पार्वती को अमरनाथ में जो मंत्र देते हैं, लेकिन आज वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, और जिस भक्ति से आज पूरा समाज, जितने भी आज करीबन भारत के नहीं पूरे विश्व में कहूँगा, इस नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं, उनको सबको लाभ हो रहा है। तो सभी से प्रार्थना है कि एक बार इस ज्ञान को समझे, और ये समझो इस एक बार यदि ज्ञान को समझ गए तो आपका ये इस जीवन में भी सुख मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा आपको। आज भारत की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे से ग्रस्त होती जा रही है, और आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा कि वो नशा से ग्रस्तित है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जैसे एक बार पहले जो सती प्रथा चलती थी और उस सती प्रथा में राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा को बंद करवाई, इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिस ज्ञान से सारा जो नशे की चीज़ है, जो युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इस ज्ञान को समझते हैं और नाम दीक्षा लेते हैं, वो सारे नशा त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और उनका पूरा परिवार सुख शांति से आज खुशहाली हो रही है। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दो कोड़ी का जीव हूँ, कुछ वो संदेश तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन संदेश तो वो परम पूज्य मेरे सद्गुरु रामपाल जी महाराज देते हैं, मैं तो उसका कुत्ता हूँ। तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि जितने भी जो भाई बहन पूरे विश्व के जो इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे, मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे सभी से प्रार्थना है कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान किसी के माध्यम से सुने, टीवी के माध्यम से, आप किताब के माध्यम से, या किसी आपको जो भी अड़ोस पड़ोस में कोई भगत मिल जाए उससे समझे सुने, और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के पश्चात आप सभी धर्म के हमारे धार्मिक ग्रंथ से जो प्रमाणित
ग्रंथ है उसे मिलान करें और उसके बाद आप एक बार अवश्य इस ज्ञान को समझें और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। क्योंकि माँ कबीर साहब कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारम्बार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुन लगता डार। यह मनुष्य जीवन हमें बड़ी मुश्किल से मिला है और यदि हमने इसको ऐसे ही गंवा दिया तो फिर हम चौरासी भटक जाएंगे। तो सभी हमारे भाइयों बहन बुजुर्गों सभी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि एक बार इस ज्ञान को अवश्य सुने और समझे और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा आ चुके हैं, जो पहले हर युग में आते हैं वही संत रामपाल जी महाराज एक चोला बदल के आ रहे हैं। तो उनके उनके ज्ञान को समझें और पूर्ण भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत आसान तरीका है। ये जो आप देख रहे हैं टीवी के नीचे जो पट्टी चल रही है इस पे नंबर नोट दे रहे हैं, उस नंबर को आप नोट करो और फ़ोन उठाओ और फ़ोन लगाइएगा। आपको भारत की किसी भी कोने में आप हो, आपके 100 किलोमीटर के अंदर, आपको 50 किलोमीटर के अंदर जहाँ भी नाम सेंटर होगा वहाँ का आपको पता बताया जाएगा और आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चा है जी।